इन 8 महीनों में बिहमदी ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया। इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती, जब जब इमाम रहा मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था, 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था, 24 साल 24 तरावी हो चुकी थी, रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया, बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए, 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है। लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफो वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे, मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग, नमाज दीन से कहां ज्यादा रिश्ता, कहा हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलहमदरा। पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो